गुरु जी कहे ओशो की लगन इसी लागी का आपकी करोड़ रुपया की भूमि का मायने है, बेस कीमती हरियाली और पर्यावरण संरक्षित कर दियो। इके सागे ही गुरु जी दो दर्जन से ज्यादा किताबा लिख चुका जकी पूरी दुनिया में पढ़ी जावे। तो गुरु जी से आज जानना चाहवा के ई राजस्थान का मायने बिना पानी के इतना पेड़ लगाया जाना की प्रकार संभव है, ताकि और पर्यावरण प्रेमियों ने इसे सीख मिल सके। ओ काम मुख्य तो ई तरीको मयो के मैं बूंद बूंद सिंचाई है जकी पर ध्यान दियो, क्योंकि जब मैं वो आश्रम शुरू करियो बनानो तो अड़ मन पानी को कनेक्शन तक भी को नहीं मिलियो, क्योंकि पानी की दूर है। तो मैं इन पहली तो ऊंट गाड़ा हूँ और बिल्लिया हूँ पानी हाथ उगालता, और जब मैंने एक कनेक्शन वाटर सप्लाई को मिलियो तो मैं बूंद बूंद सिंचाई है जकी पाइप खींच के और वो काम में लियो जकू हजारों पेड़ विकसित हो सके। बूंद बूंद सिंचाई है बस हम कारगर रेगिस्तान के लिए है, मेरा अनुभव वो है जकू हजारों पेड़ विकसित हो सके। गुरु जी 2500 ज्यादा पेड़ विकसित कर रखा है। तो गुरु जी मैं आश्रम के बारे में बेखासियत जाननी चाहवा कि राजस्थान का मायने ओशो का किता आश्रम है और अपना आश्रम की खासियत है। राजस्थान में आश्रमों के रूप में बड़े रूप में तो जब तक मेरा ध्यान है दो है, एक तो भीलवाड़ा और दूसरा अपना सरदार शहर। लेकिन ओशो को विचार और ओशो को ध्यान इस तरीके जनमानस में फैल गयो के आप देखा तो तहसील वाइज और ओशो का सेंटर है। जी हाँ, अपने सर रतनगढ़ है तो रतनगढ़ भी ओशो कृष्णा ध्यान आश्रम नाम छू बट सेंटर चाल है। आगे सुजानगढ़ भी सेंटर चाल है, चूरू में भी सेंटर चाल है। इस तरीके सेंटर तहसील स्तर पर है और आश्रम बनाने में लोग प्रयासरत है, तो वह आपका निजी तौर पर इस तरीके बना जाए। जी हाँ, गुरु जी बता रहे कि ओशो के विचारों का रूप का मायने हर आदमी के अंदर ओशो का विचार है, लेकिन मैं बैठे हाँ राजस्थान के दूसरे बड़े ओशो आश्रम का मायने और गुरु जी अशोक जी अनुराग से मैं बात करी और ओशो के विचारों का सागे सागे पर्यावरण की सीख दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया से चूरू से संजय प्रजापति।